अवारी 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 वही तो पूछ रही थी मैं। ओके चलो 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 अकेली बड़बड़ रही थी नहीं मैं। चलो कोई नहीं। सो पहले से स्टार्ट करते ठीक है। टेरिडोफाइट्स तक हो गया हमारा ठीक है। टेरिडोफाइटा तक हो गया है, भूल तो नहीं गए सारे के सारे, सब याद है ना। टेरिडोफाइट्स तक बहुत दिन हो गए, बायो की क्लास नहीं हुई है ठीक है। जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं यानी कि हम कहाँ आ चुके हैं अभी, फेनेरोगैम्स में है ना, है कि नहीं। हाँ ग्रेट मुक्ति याद है, सब अच्छी बात है। फेनेरो गेम्स में ठीक है, फेनेरो गेम्स में अगर हम क्या आ रहे हैं तो दैट इज कि हमारे अभी जितने भी प्लांट्स पढ़ेंगे हम, ये क्या ये क्या करेंगे, सीड बनाएंगे है ना। जितने भी हमारे एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म दोनों भी है सीड प्रोड्यूसिंग, इसलिए हमने इन्हें फेनेरोगेम्स में डाला था। द की पॉइंट ऑफ जिम्नोस्पर्म इज इनकी सीड जो होती है, दे आर इट इज नेकेड ठीक है। इनकी जो सीड्स होती है इट इज नेकेड। नाउ नेकेड का मतलब ये होता है कि किसी फ्रूट के अंदर नहीं होती है ठीक है। ये जो प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म, ये क्या होते हैं, फ्लावर्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं, इनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं ठीक है। तो इनकी सीड्स होती है दैट इज नेकेड, फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं है ना। यानी कि फ्लावर्स नहीं है तो ओवरी नहीं है, ओवरी नहीं तो फ्रूट नहीं है, फ्रूट नहीं है तो फ्रूट के अंदर सीड नहीं है, अलग ही सीड रहेंगी, बाहर निकली हुई रहेंगी ठीक है। ये हमें कोन्स देखने मिल रहे हैं, यहाँ पे कोन्स देखने मिल रहे हैं, फ्लावर्स नहीं है ठीक है, बट बहुत सुंदर दिखते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म के साथ। इट हैव अ वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी एंड वैस्कुलर टिश्यू। टेरिडोफाइट्स में वैस्कुलर टिश्यू आ गए थे हमारे है ना, टेरिडोफाइट से ही आ गए थे वैस्कुलर टिश्यू। क्यों, पानी ऊपर लेके जाना पड़ेगा ना, अब ये तो लैंड पे आ गए प्लांट्स हमारे, तो वैस्कुलर टिश्यू वेल डेवलप्ड होता है। ये हम प्लांट एनाटॉमी में देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म में कुछ जो होते हैं जैसे साइलम है हमारे या फिर फ्लोएम है ठीक है, ये हमारे कैसे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है, ये हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है। अपने लिए नहीं ठीक है। तो जो साइलम्स और फ्लोएम्स है ये क्या है, हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है ठीक है। अभी कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, तो वो मिलके एक जाइलम या फिर फ्लोएम बनाता है। ये हम प्लांट एनाटॉमी में पढ़ेंगे। फिलहाल याद रखिए कि जिम्नोस्पर्म है हमारा, उसमें वेल डेवलप्ड जो होते हैं वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें एबसेंट होती है ठीक है। जिम्नोस्पर्म में सब कुछ होता है, एंजियोस्पर्म में सब कुछ होता है, जिम्नोस्पर्म में कुछ चीज़ें एबसेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल वेसल प्रेजेंट नहीं होता है, वेसल की जगह ट्रकीट्स होता है। ये वेसल्स क्या है, ट्रकीट्स क्या है, हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे ठीक है, लेकिन जिम्नोस्पर्म भूलो मत ना ठीक है। जिम्नोस्पर्म हैव वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, हमने देखा प्लांट कैसे रहते हैं हमारे, वेल डिफरेंशिएटेड है ना, एंड इट हैज अ वैस्कुलर टिश्यूज यानी कि जाइलम और फ्लोएम अच्छे से प्रेजेंट रहेंगे। दे बियर नेकेड सीड और ये इनका की कैरेक्टर है, दे बियर नेकेड सीड एंड इट्स देयर की कैरेक्टर है ना, ये कहीं और देखने नहीं मिलेगा आपको। जिम्नोस्पर्म ही है, सारे के सारे जिम्नोस्पर्म ही है जिसमें हमें नेकेड सीड देखने मिलती है। इसका मतलब, नेकेड सीड का मतलब ये है कि किसी फ्रूट के अंदर सीड नहीं होगी, ऐसे ही ओपन होगी है ना। एप्पल देखते हो ना आप, एप्पल तो एप्पल में फ्रूट, एप्पल हमारा फ्रूट है, फ्रूट के अंदर सीड होती है। चीकू, चीकू भी कैसा है, फ्रूट, फ्रूट के अंदर सीड होती है। तो जो भी फ्रूट के अंदर सीड होती है दे आर अवर एंजियोस्पर्म्स, और जो जिनकी सीड्स होती है जो फ्रूट के अंदर नहीं होती ऐसे ही प्रेजेंट होती है, तो दैट इज जिम्नोस्पर्म। ये बहुत इनका की कैरेक्टर है राइट। इसका कुछ एग्जाम्पल है, दैट इज साइकस, स्पाइनस, एपिहेड्रा, ये सारे क्या है हमारे जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल्स है, देखेंगे हम सारी चीजें। ब्रायोफाइट में जो हमारा डोमिनेंट प्लांट बॉडी थी वो थी हमारे गैमेटोफाइट, सॉरी एक 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 जैसा टर्म है ना, तो हमारी गैमेटोफाइट बॉडी जो थी वो हमारी ब्रायोफाइट में डोमिनेंट थी। उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्पोरोफिटिक बॉडी ने डोमिनेंसी ले ली है ना,
स्पोरोफिटिक बॉडी ज्यादा डोमिनेंट होती है. तो यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म में जो स्पोरोफाइट है इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स, है ना. डोमिनेंट क्या है, स्पोरोफिटिक बॉडी है, राइट, मुक्ति. यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में डोमिनेंट इज स्पोरोफाइट विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स, ठीक है. द स्पोरोफाइट कैसा होता है, हमारा डिप्लॉइड होता है ना. स्पोरोफिटिक बॉडी हमारी कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, ठीक है. हमारे जो रूट्स रूट्स हैं, स्टेम है और लीव्स है. लीव्स कैसे होते हैं, यहाँ पे निडल लीव्स होते हैं, है ना. तो छोटे छोटे लीव्स होते हैं, निडल जैसे, हम बोलते हैं निडल लीव्स. जिम्नोस्पर्म के जो लीव्स होते हैं निडल लीव्स होते हैं. लीव्स का बेसिक छोटा होने का रीजन ये है कि वो ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस होता है उस वाटर लॉस को प्रिवेंट करना, है ना, टू प्रिवेंट वाटर लॉस. ये थे हमारे लीव्स का, नीडल लाइक लीव्स होती है. फोटो देखेंगे हम, ठीक है, इसके बाद देखेंगे, इमेज देखेंगे, उसमें दिख जाएगा आपको. नीडल जैसे लीव्स होते हैं, इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस, है ना. जैसे कोन्स, हमारे जो पाइन वगैरह होते हैं, ये जो पेड़ होते हैं आपने देखे होंगे, सपोज कर लो मूवीज में वगैरह देखे होंगे ना, ऐसे लंबे लंबे ऐसे पाइनस, साइकस, ये ऐसे पेड़ कहाँ होते हैं, जनरली हाई एल्टीट्यूड पे, है ना, स्नो में वगैरह प्रेजेंट होते हैं. तो उस टाइम पे क्या होता है, वहाँ पे उनको पानी नहीं मिलता हर बार, तो ये क्या करते हैं, इनको पानी बचा के रखना पड़ता है, पानी कंजर्व करना पड़ता है, इसलिए इनके जो लीव्स होते हैं काफी पतले पतले होते हैं, ठीक है, ताकि वाटर लॉस ज्यादा ना हो और वाटर कंजर्व करके रखे, ठीक है. रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स में क्या होता है, माइकोराइजा प्रेजेंट होते हैं. रूट्स में क्या होता है, माइकोराइजा, है ना. ये क्या करते हैं, मिनरल्स जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के अंदर वो एब्जॉर्ब करने के लिए प्रेजेंट होते हैं, टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, है ना. रूट में क्या प्रेजेंट होता है, माइकोराइजा, माइकोराइजल एसोसिएशन, है ना, माइकोराइजल एसोसिएशन. नाउ रूट कैसा होता है इनका, जनरली दे हैव अ टैप रूट सिस्टम, ठीक है. इनके पास टैप रूट सिस्टम होता है, एडवेंटिशियस और टैप रूट, ऐसे दो टाइप के हमारे पास रूट्स होते हैं. तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो जनरली उनके रूट्स कैसे होते हैं, टैप रूट, ऐसा एक मेन रूट बॉडी होती है, ठीक है, दैट इज टैप रूट सिस्टम. अच्छा, ये अगेन हम कहाँ पढ़ेंगे, हमारे मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे अच्छे से, टैप रूट क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट क्या होता है. आपको बेसिक तो पता ही है, 9th-10th में हमने पढ़ा ही होगा, लेकिन स्टिल हमें और पढ़ना ही है वो, ठीक है. नाउ रूट ऑफ पाइनस, पाइनस करके एक हमारा प्लांट स्पीशीज है, उसकी जो रूट होते हैं दे हैव अ माइकोराइजल एसोसिएशन, यानी उसमें माइकोराइजा अटैच होते हैं, यानी फंगस अटैच होते हैं. फंगस क्या करते हैं, वो हमारे राइजोइड्स लाइक फंगस, हमारे माइकोराइजा, है ना, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स. इनका काम क्या होता है, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल. राइट. अच्छा, मैंने मोनोशियस और डायोशियस याद रखने बोला था, याद है क्या, मोनोशियस और डायोशियस याद रखने बोला था मैंने. हाँ, क्या था मोनोशियस, क्या था, हमारे जो पाइनस होते दीज आर मोनोशियस, व्हाट आर मोनोशियस नाउ, हमारे जो पाइनस होते हैं, पाइनस इज मोनोशियस. मोनोशियस यानी कि एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बन रहे हैं, है ना, एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अगर ग्रो कर रहे हैं तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, मोनोशियस बोलेंगे. मेल एंड फीमेल गैमेट ऑन द सेम गैमेट, यस एग्जैक्टली, मुक्ति. तो ये हो गए हमारे मोनोशियस, पाइनस इज अवर मोनोशियस. एक और एग्जाम्पल है, दैट इज साइकस. ये दो एग्जाम्पल्स है हमारे जिम्नोस्पर्म में जनरली हम देखने मिलते हैं, ठीक है. साइकस आपको देखने भी मिल जाएगा अभी भी, ठीक है. साइकस के थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ मैं. दिस साइकस वॉज डोमिनेंट जिम्नोस्पर्म, दिस साइकस वॉज डोमिनेंट, साइड में कहीं लिख लो, जिम्नोस्पर्म डायोशियस इज इंडिविजुअल गैमेटोफाइट आइदर मेल एंड फीमेल, राइट.
साइकस इज डायोशियस देन. द साइकस इज डायोशियस. पाइनस इज मोनोशियस. साइकस इज डायोशियस. पाइनस इज मोनोशियस. ठीक है. नाउ साइकस वॉज डोमिनेंट जिम्नोस्पर्म. याने बताती हूँ आपको ड्यूरिंग जुरासिक एरा. ड्यूरिंग जुरासिक एरा. आपने जुरासिक पार्क वगैरह देखा है? उसमें लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़ होते थे कौन जैसे ऐसे ऐसे. दीज वर जिम्नोस्पर्म्स. साइकस इज समथिंग लाइक हमारे कोकोनट ट्री जैसा थोड़ा बहुत दिखता है. ऐसे 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 बड़े बड़े. ठीक है. सो दिस साइकस वॉज डोमिनेंट जिम्नोस्पर्म ड्यूरिंग जुरासिक एरा. उस टाइम पे बहुत ज्यादा हमें डोमिनेंट देखने मिलता था. यही प्लांट देखने मिलता था. ठीक है. इट इज डायोशियस यानी कि फीमेल और मेल जो पार्ट गैमेटोफाइट होते हैं हमारे दे आर सेपरेट. है ना. फीमेल और मेल जो गैमेटोफाइट है हमारे सेपरेट होते हैं. दिस प्लांट इज डायोशियस. पाइनस इज मोनोशियस. अच्छा अगेन दिस साइकस इज लिविंग फॉसिल. The cycas is living fossil. बहुत टाइम से जैसे का वैसा ही है. इसमें कोई अडेप्टेशन क्यों कोई चेंजेस नहीं आए हैं. पर जैसे पहले था वैसे अभी अभी भी है. ठीक है. सो वी कॉल इट एज अ लिविंग फॉसिल. ठीक है. साइकस के बारे में इतनी चीजें लिख के रखो साइड में. साइकस बिलोंग टू फैमिली साइकेडेसी. साइकेडेसी. ठीक है. इनकी फैमिली का नाम है ये. है ना. हायरार्की वाली फैमिली. ठीक है. साइकस बिलोंग टू फैमिली साइकेडेसी. नाउ दे हैव अ स्पेशलाइज्ड रूट कॉल्ड कोरलाइड रूट. इनके पास क्या है? कोरलाइड रूट यानी कि दैट इज निगेटिवली जियोट्रॉपिक. अच्छा अब मेरे को ये समझाना पड़ेगा ना व्हाट इज जियोट्रॉपिक एंड व्हाट इज फोटोट्रॉपिक. सी जियो बिलोंग्स टू अर्थ. है ना. जियो वर्ड बिलोंग्स टू अर्थ. फोटो मीन्स लाइट. है ना. सो ऐसे प्लांट्स प्लांट्स बोलो या प्लांट्स का कुछ भी पोर्शन बोलो. ठीक है. जनरली हम रूट और शूट को डिफाइन करते हैं. रूट और शूट को डिफाइन करते हैं. बट यहाँ क्या हो रहा है? सी जियोट्रॉफिक इन द सेंस. हाँ पता है ना. ग्रेट. सबको पता है ना कि सिर्फ मुक्ति को पता है. मुक्ति बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़की है. ठीक है. सबको पता होना चाहिए. मुक्ति को तो पता ही है. चलो सुन लो एक बार. ठीक है. जियो इज अर्थ. फोटो इज लाइट. है ना. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? जियोट्रॉपिक इन द सेंस मूवमेंट टूवर्ड्स अर्थ. जियोट्रॉपिक का मतलब क्या होगा? मूवमेंट टूवर्ड्स अर्थ. है ना. अगर पॉजिटिवली है सपोज ये हमारे रूट्स है. ठीक है. जहां पर मैं ये कोलोराइड रूट्स ही बताती हूँ. कोरोलॉइड रूट बताती हूँ. ऐसा बोले इन्होंने कि इट इज जियोट्रॉपिक. लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक. नेगेटिवली जियोट्रॉपिक यानी कि ये अर्थ के तरफ मूव नहीं करेगा. नेगेटिवली यानी कि अर्थ के अगेंस्ट यानी बाहर की तरफ आएंगे ये रूट्स. कि ये रूट्स जो होते हैं ये बाहर आएंगे. उल्टा उल्टी दिशा में जाएंगे. पॉजिटिवली रहता तो ये नीचे अर्थ की तरफ जा रहा है. ठीक है. स्टेट के पहले एडिशन में दिया है अच्छे से. ओके. सो दैट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक. है ना. कोरोलॉइड रूट का ये क्या है? मेन की पॉइंट दैट इज इट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट. और इनके पास क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया. ये मैंने बैक्टीरिया में पढ़ाया था. ये साइकस वाला हमने पढ़े थे. है ना. नोस्टॉक या फिर एनिबिना जो है वो हमारे साइकस के रूट में प्रेजेंट होते हैं. क्या काम करते हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम करते हैं. ठीक है. नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं. साइकस का पूरा नाम है दैट इज साइकस रेवोल्यूटा. CYCAS रेवोल्यूटा. इसको करेंगे हम अंडरलाइन बिकॉज ये है हमारे जीनस और स्पीशीज. है ना. साइंटिफिक नाम हम अंडरलाइन करके लिखते हैं. साइकस रेवोल्यूटा उसका पूरा नाम है. इतना ठीक है. चलो फिर से एक बार रिवाइज करती हूँ मैं. That is, हमारा डोमिनेंट प्लांट बॉडी ऑफ जिम्नोस्पर्म इज स्पोरोफाइट. इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स. रूट्स कैसे रहेंगे? जनरली टैप रूट सिस्टम रहेगा.
पाइनस जो है हमारे एक स्पीशीज ऑफ प्लांट है, इसके रूट्स में माइकोराइजल एसोसिएशन होता है, यानी माइकोराइजल्स प्रेजेंट होते हैं। ये काम क्या करेंगे, मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे, ठीक है, मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। व्हाट इज साइकस, साइकस हैव स्पेशलाइज्ड रूट कॉल्ड स्कोरोराइड रूट, है ना। ये क्या रहेंगे, निगेटिवली जियोट्रॉपिक, हाँ रिपीट कर रही हूँ बेटा, निगेटिवली जियोट्रॉपिक रहेंगे, यानी कि ये अर्थ के तरफ नहीं मूव करेंगे, अर्थ के अगेंस्ट मूव करेंगे, यानी जमीन के ऊपर आएंगे ये, ठीक है, जमीन के ऊपर आएंगे इनके जो रूट्स है, ठीक है। यही साइकस के रूट में क्या रहेगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, हमारा ब्लू ग्रीन अलगी जिसे हमने बोला था, है ना, पिछला चैप्टर भी याद करिए। फॉर एग्जाम्पल नोस्टॉक या फिर एनबेना जो रहते हैं वो हमारे साइकस के रूट्स में देखने मिलेंगे, क्या करेंगे, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे, ठीक है। फिर मैंने क्या क्या बोला और क्या चीजें बताई मैंने, हाँ साइकस जो पाइनस था दैट इज मोनोशियस, यानी कि उसके एक ही पेड़ पे फीमेल और मेल गैमेट बनेंगे। साइकस इज डायोशियस, यानी एक फीमेल प्लांट रहेगा और दूसरा कहीं दूर मेल प्लांट रहेगा, जैसे पपया है ना हमारा डायोशियस प्लांट, वैसे ही साइकस हमारा डायोशियस प्लांट होता है। नाउ साइकस बिलोंग टू फैमिली साइकेडेसी, यहाँ साइकस बिलोंग टू फैमिली साइकेडेसी, राइट, डायोशियस है यानी फीमेल प्लांट अलग रहेगा, मेल प्लांट अलग रहेगा। ये जो जिम्नोस्पर्म है ये जुरासिक एरा में बहुत ज्यादा डोमिनेंट था, ठीक है, और ये जैसा पहले था वैसा अभी भी है, यानी उसमें कोई मॉडिफिकेशन, कोई चेंजेस नहीं आए। जुरासिक एरा यानी जब डायनासोर्स थे हमारे, तब की बात कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया फिर भी उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल, ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल, ठीक है। साइकस का अगेन साइंटिफिक नेम इज साइकस रेवोल्यूटा। प्राची ओके, या फिर से एक बार रिपीट करूं बेटा, बोलो किसी को रिपीट करवाना है, समझ में आया, रिप्लाई करो प्लीज। ये वाली स्लाइड समझ में आई क्या, समझा, ओके ओके, चलो आगे बढ़ते फिर, ठीक है। सो अभी तक रूट पढ़े हमने, स्टेम, जिम्नोस्पर्म की जो स्टेम होती है जनरली अनब्रांच्ड होती है, उन्हें ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसे बड़ा सा पेड़ होगा बस ऐसा, और ये यहाँ पे ऐसा, तो ये हमारा ब्रांच वाला कैसा रहता है, ये ऐसे इस तरह से हमारे ब्रांचेस वाले पेड़ होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो साइकस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल साइकस वगैरह हम देखेंगे तो कुछ जो होते जनरली जनरली अनब्रांच्ड होते हैं, और किसी किसी में ब्रांच स्टेम प्रेजेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल पाइनस एंड सिट्रस, ठीक है, ये दो प्लांट है पाइनस एंड सिट्रस, इसमें क्या होते हैं, ब्रांच स्टेम प्रेजेंट होते हैं और जनरली अनब्रांच्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल साइकस, साइकस पाइनस सिट्रस, ये तीन चार नाम बार बार आएंगे हमारे जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म तो बहुत वास्ट है। लीव्स देख रहे हैं आप, नीडल लाइक लीव्स, ये रहे नीडल जैसे लीव्स, पतले पतले से लंबे लंबे से, यहाँ पे भी लीव्स बहुत ज्यादा छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे, सी, इसी को नीडल लाइक लीव्स बोलते हैं, है ना। जिम्नोस्पर्म हैव बोथ, हे भगवान, ठीक है, जिम्नोस्पर्म के पास क्या होते हैं, बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव। अब ये सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी में बहुत अच्छे से, ठीक है, सिंपल भी हो सकते हैं या फिर कंपाउंड लीव्स भी हो सकते हैं जिम्नोस्पर्म में। Now, the leaves are well adapted to withstand extreme temperature, humidity and wind. पतले पतले रहते हैं ना तो ज्यादा हवा आई तो क्या इनके बीच में से निकल जाती है, तो पेड़ों को ज्यादा डैमेज नहीं होता है, ठीक है, इसलिए नीडल लाइक लीव्स, नीडल लाइक, ये जो नीडल लाइक लीव्स है ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया कम करते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया, नीडल लाइक लीव्स जो है उनका क्या, उसके वजह से क्या हो जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है हमारे लीव्स का, और ट्रांसपीरेशन के टाइम पे जो वाटर लॉस होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, और कैसे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन पे प्रेजेंट होते हैं ना, ज़्यादा ज़्यादा टेम्परेचर है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, ऊपर पहाड़ों पर स्नो वाले पहाड़ों पर प्रेजेंट है हमारे, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, उसकी जो
क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल यानी जो प्लांट के ऊपर में जो एक लेयर होती है, वैक्सी लेयर होती है, ठीक है, जो ज्यादा पानी लॉस होने से बचाती है, तो वो कैसे रहेंगे, थिक रहेंगे, क्यूटिकल कैसे रहेंगे हमारे, थिक, है ना, उसकी वजह से भी पानी लॉस कम होगा, स्टोमेटा, सनकिन स्टोमेटा प्रेजेंट रहेगा, है ना, थोड़ा अंदर की तरफ, तो उसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली इसका सीधे सीधे मतलब यह है, नीडल लाइफ जो नीडल लाइक जो लीव्स होते हैं उसका काम क्या रहता है, वाटर लॉस से बचाना प्लांट को, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन पे वाटर मिलेगा नहीं मिलेगा हमें नहीं पता, प्लांट को जिंदा रहना है इसलिए कम से कम वो पानी खर्च करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है, दैट इज टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, एक जिम्नोस्पर्म ही है, टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड एक जिम्नोस्पर्म है जिसका नाम है जायंट रेड वुड ट्री, जायंट रेड वुड ट्री, खजूर, खजूर नहीं है रे, टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड दैट इज अ जिम्नोस्पर्म, दैट इज अ जायंट रेड वुड ट्री, रतन चंद चलो लिखो, मैंने लिखा के दे दिया है, जायंट रेडवुड ट्री, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, जामिया पिग्मिया करके है, इट इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, क्या जामिया पिग्मिया करके है, दैट इज स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म और ये टॉलेस्ट ट्री, ठीक है, इतना लिख लिए, चल ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं, हमारे जिम्नोस्पर्म, दीज आर पेरिनियल्स, पेरिनियल्स यानी कि बहुत सालों साल जी रहे हैं, ठीक है, हमारे टू या थ्री टाइप्स के होते हैं, दैट इज एनुअल, बाइनियल्स एंड पेरिनियल, एनुअल यानी कि इनकी साल भर की लाइफ साइकिल रहती है, बाइनियल्स यानी कि इनकी दो साल की लाइफ साइकिल रहती है ना, टू ईयर्स, और पेरिनियल्स यानी कि बहुत साल तक जिंदा रहते हैं, ठीक है, बहुत साल तक जिंदा रहते हैं, जैसे हमारे मैंगो ट्री वगैरह हो गए, वो पेरिनियल्स होते हैं, राइट, तो ये कैसे होते हैं, ज्यादा साल तक जिंदा रहते हैं, वुडी, वुड प्रेजेंट होता है, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ स्पोरोफिल्स, क्या कहते हैं, टू टाइप ऑफ स्पोरोफिल्स प्रोड्यूस करते हैं जिसपे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करेंगे, स्पोर्स इन द सेंस सीड काइंड ऑफ, यहाँ टू टाइप ऑफ स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, एक माइक्रो फॉर मेल, है ना, माइक्रो फॉर मेल, मेगा स्पोरोफिल फॉर फीमेल, ठीक है, नाउ दे एग्रीगेट टू फॉर्म डिस्टिंक्ट कोन्स और स्ट्रोबुलाय, है ना, क्या होते हैं, एक ऐसे होते हैं बहुत सारे, सी ऐसे 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 होते हैं माइक्रो या मेगा स्पोरोफिल जो होते हैं हमारे, एग्रीगेट होके एक कोन बनाते हैं, जो कोन मैंने स्टार्टिंग के डायग्राम में दिखाया था, दैट इज अ कोन, ठीक है, एग्रीगेट होके जो स्पोरोफिल होते हैं हमारे, एक कोन या फिर स्ट्रोबुलाय बनाते हैं, पोलन कोन्स बोलते हैं मेल कोन्स को, है ना, मेल कोन्स को हम क्या बोलेंगे, पोलन कोन्स, और फीमेल कोन्स को हम बोलेंगे सीड कोन्स, फीमेल कोन को हम क्या बोलेंगे, सीड कोन, ठीक है, मेल कोन्स को हमने नाम दिया पोलन कोन और फीमेल कोन को हमने नाम दिया दैट इज सीड कोन, ना फीमेल गैमेटोफाइट कंटेन्स आर्किगोनिया, ऑब्वियस सी बात है, पॉलिनेशन इज जनरली बाय विंड, क्या होता है, बहुत हाई अल्टीट्यूड पे प्रेजेंट होते हैं हमारे ये प्लांट्स, तो क्या होता है वहाँ पे आपको मधुमक्खी वगैरह ज़्यादा दिखने नहीं मिलेगी, मधुमक्खियाँ या फिर इंसेक्ट्स जो होते हैं वो जनरली देखने नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे पॉलिनेशन किसके वजह से होता है, एनिमोफिल यानी कि विंड, विंड के वजह से पॉलिनेशन, हवे के वजह से पोलन ग्रेन्स हवा में तैरते रहते हैं और उसके वजह से क्या होता है, मीन्स लाइक विंड के वजह से क्या होता है, वो हमारे फीमेल कोन के तरफ चले जाते हैं और फीमेल कोन के पास जाने के बाद क्या हो जाता है, उनका फर्टिलाइजेशन होता है ना, हमें वहीं तो करना है, सीड प्रोड्यूस करनी है तो फर्टिलाइजेशन तो करवाएंगे हम, तो किसके वजह से पॉलिनेशन हो रहा है, विंड की वजह से, दैट इज एनिमोफिली,
अच्छा आई राइट डाउन समथिंग कि पाइनस में जनरली क्या होता है, पाइनस में हमें देखने मिलता है दैट इज एनिमोफिली यानी कि विंड पॉलिनेशन, है ना। अब विंड से पॉलिनेशन हो रहा है तो हमें नहीं पता ना कि हर बार यानी हर बार जाके हमारे फीमेल कोन पे ही पोलन ग्रेन्स ड्रॉप होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, है ना। इसीलिए क्या कहता है, ये जो पेड़ है ये क्या कहता है, पोलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन्स बनाता है, बहुत ज्यादा बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनाते हैं पाइनस के पेड़, राइट। अब यहाँ पे कैसा कोई बी नहीं होती है और फ्लावर नहीं है तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट भी नहीं करेंगे, है ना। नो बी नो नेक्टर हमारे प्लांट में, फ्लावर्स ही नहीं है तो, है ना। तो ये जो पोलन ग्रेन है, ये जो पोलन ग्रेन है ये क्या करते हैं, पाइनस के वजह से क्या होता है, ये पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं तो ये हवा में हमेशा इतना ज्यादा लाइक इट कॉजेस पॉल्यूशन, पता है आपको पाइनस एयर पॉल्यूशन बोलते हैं इसे, इतना सारा पोलन ग्रेन होता है वहां पे, पाइनस एयर पॉल्यूशन कॉज करता है, ठीक है। ये जो इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं इनके वजह से क्या होता है, हे फीवर होता है, इट इज काइंड ऑफ एलर्जी, बहुत लोगों को होती है पोलन ग्रेन से एलर्जी, ठीक है। तो ये जो पाइनस के पोलन ग्रेन से एक एलर्जी कॉज करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हे फीवर, है ना। इट इज इट प्रोड्यूसेस लाइक इट डज एयर पोल्यूशन देयर, राइट। क्यों करता है ये, इतना सारे पोलन ग्रेन क्यों बना रहा है, बिकॉज वहां पे कोई बी नहीं है, कोई नेक्टर नहीं है जिसकी वजह से कोई इंसेक्ट आए या फिर बर्ड आए और उनको लाइक पॉलिनेशन में हेल्प करे, है ना। इसीलिए क्या होता है, बहुत सारे नंबर ऑफ पोलन ग्रेन बनाते हैं, ठीक है, पाइनस में ये देखने मिलता है। कुछ कुछ फैक्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस ओनली 2 मेल गैमेट्स या फिर स्पर्म्स जिसमें से सिर्फ एक फंक्शनल होता है, जिसमें से सिर्फ एक फंक्शनल होता है। अच्छा ये क्या होता है, ये हम एंजियोस्पर्म में जब जाएंगे तब हम अच्छे से देखेंगे क्या होता है कि टू फंक्शनल, टू मेल गैमेट्स क्या है, फोर मेल गैमेट्स क्या है, हम वहां अच्छे से पढ़ेंगे। हमेशा बोलती हूँ ना मैं, यहाँ पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे, अब क्या करें, इतना इंटरकनेक्टेड होता है ना कि क्या ही बताया अभी। चल ठीक है ना, दिस मेल कोन ऑब्वियसली बात है, मेल कोन्स है जो कि क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स बना रहे हैं। अब माइक्रोस्पोर क्या बनाएंगे, हमारे पोलन ग्रेन्स, मेल है तो मेल हमारे हमेशा क्या बनाएंगे, मेल गैमेट्स क्या कहाँ रहेंगे, पोलन ग्रेन्स के अंदर, है ना। मेल कोन किसे बना रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स में क्या रहते हैं हमारे, माइक्रोस्पोर इज जनरली व्हाट डज इट प्रोड्यूस, पोलन ग्रेन्स। फीमेल मेगास्पोर, फीमेल कोन गिव राइज टू मेगास्पोर विच प्रोड्यूसेस ओव्यूल्स, है ना, which produces ovule. Male से क्या बन रहे हैं pollen grain, female से क्या बन रहे हैं हम ovules बना रहे हैं, ठीक है। जब भी हमारे ovule के पास या फिर कहीं पे आते हैं हमारे pollen grains तो क्या करते हैं, germinate करते हैं, pollen tube बनाते हैं ताकि pollen grain के अंदर क्या रहते हैं, male nucleuses रहते हैं, male nucleuses फिर यहाँ चले जाते हैं ovule के साथ fuse होते हैं, ठीक है। ये angiosperm में जनरली हमें देखने में तो बहुत अच्छे से समझ में आता है angiosperm में, ठीक है। सो द पोलन ट्यूब डेवलप्स फ्रॉम द पोलन ग्रेन टू इनिशिएट फर्टिलाइजेशन, है ना। मेल और फीमेल न्यूक्लियस की मेटिंग ही तो करवानी है हमें ना। पोलन ग्रेन डिवाइड्स इनटू टू स्पर्म सेल बाय माइटोसिस, वन ऑफ द स्पर्म सेल यूनाइट्स विद द एग सेल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अब क्या होता है, मेल न्यूक्लियस, मेल जो हमारे लाइक पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन में क्या होता है, एक हमारा सेल था, ठीक है, ये क्या हो रहा है, माइटोसिस से डिवाइड हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, दो स्पर्म सेल्स बना रहे हैं, ठीक है, दो स्पर्म सेल्स बना रहे हैं। इनमें से क्या होता है, हमारा एक जो होता है वो एग सेल के साथ फ्यूज होके हमें क्या बनाएगा, हमारा एम्ब्रियो बनाएगा, राइट। इतना बेसिक तो पता है ना आप लोगों को, है ना। पोलन ग्रेन है, यहाँ पे एक सेल था, एक सेल ने क्या करा, माइटोसिस करा और आगे चल के क्या हुआ, ये हमारे फीमेल के साथ मेट होके फर्टिलाइजेशन कराए, ठीक है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन में काम करेगा। वंस द ओव्यूल इज फर्टिलाइज्ड, अ डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हिच गिव राइज टू द एम्ब्रियो इनक्लोज्ड इन अ सीड कोट ऑफ टिश्यू फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। यही फर्टिलाइजेशन के बाद, जनरली हम क्यों फर्टिलाइजेशन क्यों करते हैं, वंश बढ़ाने के लिए हम बोलते हैं ना, तो क्या हो रहा है, हमारे जो पोलन ग्रेन्स थे
वो मेल जो है हमारे फीमेल के साथ फ्यूज हो गए, फ्यूज होके क्या बना, आगे चल के बेसिकली क्या ही बनेगा, सीड ही बनेंगे, है ना। अब यहाँ पे स्पोर्स तो नहीं बन रहे, तो क्या बनेंगे, सीड्स बनेंगे। और सीड कैसे रहेंगे, यहाँ पे नेकेड सीड रहेंगे, किसी के अंदर फ्रूट के अंदर नहीं मिलेंगे, ठीक है। दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म, यहाँ पे देखेंगे अपन इमेज में। सी दिख रहा है, चलो नाउ दिस इज अ मैच्योर स्पोरोफाइट, जिसमें क्या है, लीव, स्टेम एंड रूट्स है, ठीक है। दिस इज अ मैच्योर स्पोरोफाइट, अब इसका एक ब्रांच है, यहाँ प्रेजेंट है फीमेल कौन, और ये है हमारा एक मेल कोन, है ना। यहाँ पे मेल कोन का लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन दिया हुआ है, यानी पोलन कोन जहाँ पे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मियोसिस हो रही है, मियोसिस की वजह से हमारे कैसे बनेंगे, अच्छा ये कैसे रहेंगे, हमारे डिप्लॉइड रहेंगे ना, स्पोरोफाइट है तो मियोसिस होगा कि नहीं होगा, फिर हैप्लॉइड के लिए मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद क्या बनेंगे हमारे, हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स बनेंगे, हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स बनेंगे, राइट। यहाँ पे भी सेम वही होगा, यहाँ पे मियोसिस की वजह से हमारे जो है इसका जो कंपोजिशन है, इट विल बी हैप्लॉइड, जो हमारे फीमेल कोन्स का ओव्यूल्स का है, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉलिनेशन की वजह से हमारे फीमेल ओव्यूल के पास ये आ गए हमारे पोलन ग्रेन्स, है ना। यहाँ पोलन ग्रेन्स आ गए, पोलन ग्रेन्स आए, इन्होंने पोलन ट्यूब बनाया, पोलन ट्यूब बनाने के बाद क्या हो रहा है, दे आर डूइंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, है ना। जाइगोट बनाने के बाद क्या होएगा, हमारा सीड बनेगी, सीड से क्या बनेगा, वापस से हमारा प्लांट बनेगा, ठीक है। ये इतना डिटेल डायग्राम मत याद रखिए, जो इम्पोर्टेंट है, जो बेसिक कंसेप्ट के लिए इम्पोर्टेंट है उतना याद रखिए बस, डायग्राम के तो थोड़ा अच्छे से समझ में आता है ना। दिस इज फीमेल कोन, दिस इज मेल कोन, फीमेल हमेशा बड़ा ही होगा, है ना, मेल से। फर्स्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे मियोसिस हो रहा है, बिकॉज इट इज डिप्लॉइड कंडीशन, मियोसिस होने के बाद हमारे हैप्लॉइड स्पोर्स या फिर हमारे पोलन ग्रेन्स बनेंगे, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है ना, स्पोर मदर सेल, यहाँ पे भी मियोसिस होगा, उसके बाद क्या होगा इनका फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेंगे हमारे, जाइगोट बनेंगे, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, सीड बनेंगे, जाइगोट इवेंचुअली लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सीड, राइट। सीड्स फिर हम लगाएंगे तो हमारा प्लांट रेडी हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। सो दिस इज अ लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। नाउ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, लास्ट स्लाइड है आज की, ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बढ़ते टिम्बर, टिम्बर है ना, क्यों यूज होता है, जिम्नोस्पर्म पजेसेस सॉफ्टवुड, अच्छा सॉफ्टवुड हार्डवुड अगेन इन प्लांट एनाटॉमी, नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के पास क्या होता है, सॉफ्टवुड होता है, सॉफ्टवुड का जनरली कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि उनमें इंसेक्ट अटैक वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट रेपेलेंट होते हैं वो। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, रेजिन, टर्पेंटाइल ऑयल, ऐसा देखने मिलता है हमें, सॉफ्टवुड होता है रेजिन या फिर टर्पेंटाइल ऑयल, ये देखने मिलते हैं, और जिसके जिसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे इंसेक्ट का अटैक नहीं होता है। आपके फर्नीचर्स वगैरह जनरली सॉफ्टवुड से बने होते हैं, इंसेक्ट अटैक नहीं होता है, तो हमारे फर्नीचर्स बने होते टिम्बर, है ना। द सेम इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ लाइट फर्नीचर्स, प्लाईवुड, पैकेजिंग केस, है ना, पैकिंग केस, मैच स्टिक्स, हमारे रेलवे स्लीपर्स जो होते हैं, ये सारे के सारे हम किससे बनाते हैं, हमारे जिम्नोस्पर्म के वुड से बनाते हैं। पेपर के मैन्युफैक्चर के लिए भी काम आते हैं हमारे, है ना, पिक्सिया, पाइनस, लारिक्स, एबीज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, फाइबर बोर्ड्स, है ना, हमारे जो खड्डे होते हैं, नीडल्स ऑफ पाइनस, नीडल्स इज लीव्स, राइट, नीडल लाइक लीव्स, लीव्स ऑफ पाइनस एंड अदर कोनिफर्स आर यूज्ड इन मेकिंग फाइबर बोर्ड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग पैकिंग केसेस। हम पैकिंग के लिए जो बोर्ड बनाते हैं दैट जनरली कम फ्रॉम जिम्नोस्पर्म। रेजिन्स, इट सीक्रेट सेमी फ्लूइड एंड सॉलिडिफाइज ऑन एक्सपोजर। आपने देखा होगा ना वो गोंद के लड्डू जिसे बोलते हैं हम, खाते भी है वो कोई कोई लोग, रेजिन्स, दैट इज रेजिन्स, इट कम्स फ्रॉम जिम्नोस्पर्म जनरली, दैट इज हेल्प, इट हेल्प्स, राइट। रेजिन्स आर कमर्शियली एक्सट्रैक्टेड एंड डिस्टिल्ड टू ऑब्टेन टर्पेंटाइन एंड रोजन, टर्पेंटाइल और रोजन बनाने के लिए काम करते हैं। रोजन्स कहाँ यूज होता है, वाटर प्रूफिंग के लिए, सीलिंग जॉइंट्स, है ना, प्रिपरेशन ऑफ राइटिंग पेपर, डिंक इन मराठी, यस डिंक इन मराठी,
टर्पेंटाइन इज यूज्ड इन पेंट पॉलिशेस वैक्स. ये हमारे जिम्नोस्पर्म की क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है क्या हो गया, हाँ क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. ठीक है. अच्छा फास्ट हो रहा है क्या लेक्चर, किसी किसी को ऐसा मुझे लग रहा है कि फास्ट हो रहा है क्या, छोटे छोटे टॉपिक्स है हमारे. ठीक है एक बार पढ़ लो आपको समझ में आ जाएगा, थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, ये तो समझने लायक नहीं है ज्यादा चीजें, कंसेप्चुअल वाले बहुत स्लो चलेंगे. चलो एंजियोस्पर्म कल देखते हैं, मैं कब से बोल रही हूँ चैप्टर खत्म करना है, हमारे क्लास ही नहीं हो रहे थे. ठीक है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया, इसके बाद हमारा एंजियोस्पर्म्स है जिसमें फ्लावर्स है, हमें फ्लावर वाले प्लांट्स पढ़ने हैं. एंजियोस्पर्म बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक है, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर चैप्टर भी है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सिर्फ की कैरेक्टर्स देखेंगे राइट, और ये हम कल देखेंगे. ओके किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है, फास्ट हो रहा क्या, चेतन के अलावा और कोई क्लास नहीं करा क्या मेरी, ठीक है हाँ ओके ओके फास्ट हो रहा होगा तो मेरे को बोलो. ठीक है मैं थोड़ा स्लो और करने की कोशिश करती हूँ. चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं.